क्या टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान को विजिट नहीं करेगी? इस समय सारे न्यूज चैनल्स, न्यूज पोर्टल्स, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है, सब पे यही चीज चल रही है। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या हुआ अगर इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना जाए। यही चीज इस समय BCCI भी सोच रही है, यही चीज इस समय PCB भी सोच रही है, यही चीज इस समय ICC भी सोच रही है। अब मैं इस वीडियो में आपको थोड़ी इन डेप्थ एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या हो, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। अगर नहीं जाएगी तो क्या होगी और इस समय ICC का इन सब को लेकर क्या स्टैंड है। देखिए, हमेशा से ICC ने BCCI को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश की है। जो भी रेवेन्यू शेयरिंग होती है उसमें सबसे ज़्यादा एक चंक BCCI को दिया जाता है, क्योंकि BCCI और इंडियन क्रिकेट टीम एक खुद में ब्रांड है। इंडियन क्रिकेट टीम को वो नेशंस अपने यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए इनवाइट करते हैं जिनको आर्थिक तंगी से जब वो जूझ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जिम्बाब्वे क्रिकेट आपको याद होगी, एक समय पे जिम्बाब्वे क्रिकेट जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, लेकिन उस समय उन्होंने BCCI से रिक्वेस्ट किया एक टूर के लिए कि आप हमें विजिट कीजिए, हमारे यहाँ क्रिकेट खेलिए। और वो टूर इतना सक्सेसफुल हुआ था कि जिम्बाब्वे क्रिकेट कहीं ना कहीं उस समय जो फर्श पे थी वहाँ से अर्श तक आने में कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट टीम ने उनको हेल्प की। साफ तौर पर जहाँ इंडियन क्रिकेट टीम खेलेगी वहाँ मार्केट कैप बहुत तेज़ी से पकड़ने की कोशिश रहेगी ब्रॉडकास्टर्स का या फिर जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उन सभी का। तो क्लियरली ये चीज़ तो है कि ICC का इस पर स्टैंड क्लियर होगा कि इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी तो ज़रूर खेले, लेकिन क्या पाकिस्तान में जाकर इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी इसको लेकर अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं है। क्योंकि आप ये चीज़ मान लीजिए कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलती तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि चैंपियंस ट्रॉफी रद्द हो जाए। अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया में और न्यूज़ पोर्टल के हवाले से, न्यूज़ मीडिया, काफ़ी सारे मीडिया एजेंसीज़ के हवाले से कि इंडियन क्रिकेट टीम अगर नहीं खेलती है चैंपियंस ट्रॉफी में तो श्रीलंका जो है रैंकिंग के आधार पर क्वालिफाई कर जाएगी। तो ऐसा नहीं होने वाला, कभी भी ICC के इवेंट में इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई हैं और ना ही कभी होंगी। अगर इंडियन क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलती है तो इससे व्यूअरशिप पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी के, इससे ब्रॉडकास्टर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि इंडिया के जब मैचेस होते हैं किसी भी टीम के साथ तो उसमें बहुत ज़्यादा आईबॉल्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे आईबॉल्स उस मैच को कैप्चर करते हैं, जिससे कि स्पॉन्सर्स को और ब्रॉडकास्टर्स को खासा फ़ायदा होता है। लेकिन इंडियन टीम जब जाएगी नहीं खेलने, वहाँ पे इंडिया के मैचेस ही नहीं होंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, इंडिया पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी, तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ब्रॉडकास्टर्स को और इसका सीधा सीधा नुकसान ICC को हमको देखने को मिल सकता है। ICC पर इसका इम्पैक्ट साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। इन सभी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए ICC जो है पूरा दमखम लगा रही है। पाकिस्तान में रेनोवेशन का काम भी चालू हो गया है, ग्राउंड्स जो है नए नए तरीके से बनाए जा रहे हैं, उनको उसके अंदर मरम्मत की जा रही है, जो भी चीज़ें करनी चाहिए वो सब चीज़ें की जा रही है। लेकिन 20 जुलाई तारीख मार्क कर लीजिएगा, 20 जुलाई को श्रीलंका के अंदर भारत, पाकिस्तान और ICC के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी के बीच में एक मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में फाइनली ये कंक्लूड किया जाएगा कि क्या भारतीय टीम सही में पाकिस्तान आना चाहती है या नहीं आना चाहती है। अगर नहीं आना चाहती है तो इसको लेकर ICC कोई स्टेप निकालेगी, कोई रास्ता निकालेगी, कोशिश करेगी कि इंडियन क्रिकेट टीम को सबसे पहले तो इसमें इन्वॉल्व कराया जाए चैंपियंस ट्रॉफी में किसी तरीके से। अगर वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते तो हो सकता है, इट इज़ हाईली पॉसिबल कि एक न्यूट्रल वेन्यू पे मैच कराया जाए। इंडियन टीम के जितने भी मैचेस हैं उनको या तो दुबई में कराया जाए या तो श्रीलंका में कराया जाए या तो कोई और वेन्यू को प्रपोज किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये होगा कि क्या हो अगर सेमीफाइनल या फाइनल को पाकिस्तान के बाहर कराया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को जब एज होस्ट नेशन सेलेक्ट किया गया है लेकिन उसके बाद भी उनको होस्टिंग के काफ़ी सारे मैचेस न दिए जाएं, तो इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या स्टैंड होगा ये भी देखने लायक बात होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है हमेशा से एक टाइप से एक डरी हुई डरपोक क्रिकेट बोर्ड, मैं कहूँगा इस तरीके से उन्होंने खुद को पोर्ट्रे किया है। क्योंकि जब एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप भी हुआ था, मैं पिछली वीडियोज़ में भी इन सब बारे में बात करता हूँ, तो उन्होंने साफ तौर पर एक डरपोक स्टेप लिया था। जब भाई आपको मैचेस दिए गए, आपको होस्टिंग दी गई, लेकिन आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI के इन्फ्लुएंस में आके इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, इतने ज़्यादा डर गए कि आपने अपनी वेन्यू को ही चेंज कर दिया। हाँ, BCCI के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन एज बीइंग अ क्रिकेटिंग नेशन, एज बीइंग अ क्रिकेट बोर्ड, आपको अपने स्टेप पे कायम रहना चाहिए। जब आप ऐसे कमज़ोर पड़ते हैं तो आपकी पूरी क्रिकेट टीम इधर उधर हो जाती है। लेकिन इस बार देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि PCB क्या निर्णय लेती है, ICC क्या निर्णय लेती है और BCCI क्या निर्णय लेती है। वैसे आप बताइए क्या लगता है आपको 20 तारीख के इस मीटिंग में क्या कुछ कंक्लूजन निकल सकता है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं रवि मिश्रा, कैमरा पर्सन निश्चय के साथ, वी युवा।